कोलकाता रेप मर्डर मामले में विरोध में आज बीजेपी का पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान है और इसका असर भी कुछ हिस्सों में दिखने लगा है। कोलकाता, हावड़ा और अन्य इलाकों में जो चीजें हैं वो थम सी गए हैं। अब आवागमन भी थमा हुआ है, दुकानें भी सुबह सुबह के समय बंद है। कुछ जगहों पर प्लेटफॉर्म से जो तस्वीरें आए, रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आए वो आपके सामने, जहां पर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। समय खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से इस बंद में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। हुगली की तस्वीरें जहां रेलवे ट्रैक पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए, उनको वहां से कुछ इस तरह से हटाने का भी प्रयास हुआ है। एक दिन पहले ही बंग छात्र समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस का एक्शन हुआ, लगभग 125 गिरफ्तारियां हुई, लगभग 150 से ज्यादा तो हिरासत में लिया गया। तो उसी के खिलाफ बीजेपी ने आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी कि 12 घंटों तक इस बंद का ऐलान किया है। बीजेपी नबन्ना मार्च में गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए हुगली की तस्वीरें जहां रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, ट्रेन को रोकने का उनका प्रयास था वहां पर कि ट्रेन का भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो रुके, लेकिन इस बीच में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो जवान है वो भी वहां पर मुस्तैद दिखाई दिए। बीजेपी के इस बंद को देखते हुए व्यवस्था खास की गई है, ये तस्वीर देखें, कुछ मारपीट करते हुए भी दिखाई दिए हैं। बीजेपी का झंडा लिए हुए ये लोग आप तस्वीरों में देखें, कुछ उसी डंडे से कुछ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ में जो जवान है वो उनको वहां से हटाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में बीजेपी का झंडा है, ये मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो जवान है वो उनको हटाते हुए दिख रहे हैं। अब एक ये जो लोग हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना बाकी है कि जिनके साथ ये मारपीट हो रही है क्यों हो रही है। दो तस्वीरें, एक तो हुगली की आप देखिए तस्वीर, दूसरी मुर्शिदाबाद की तस्वीर आपके सामने है। हुगली में तो ट्रैक पर ही बैठ गए हैं कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, और ट्रेन रोक दी और उसके बाद बीजेपी का झंडा लहराया गया है। ये पश्चिम बंगाल की आज की तस्वीरें, कल की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से उतरी नहीं, आज सुबह सुबह की तस्वीरें देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में प्लेटफॉर्म की ही तस्वीरें जहां पर ट्रेन रोकने का प्रयास और उसके बाद कुछ इस तरह से वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई कि टकराव भी हुआ है। फिर हुगली में देखिए जहां ट्रैक पर ही कार्यकर्ता बैठे और ट्रेन रोक दी गई है, टीएमसी से टकराव की तस्वीरें हैं अभी मुर्शिदाबाद में देखिए। तो ममता सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल, ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, कुछ हिस्सों की तस्वीरें दिखा दी हैं कि ट्रेन रोक दी गई है, कुछ जगहों पर टकराव भी दिखना सुबह सुबह शुरू हो गया, लेकिन कुल मिलाकर क्या तस्वीर है पूरे पश्चिम बंगाल की? जी बिल्कुल, देखिए लगातार खबरें आ रही है, चाहे वो मालदा से हो, मुर्शिदाबाद से हो, हुगली से हो, जहां पर झड़प की खबरें आ रही है, हिंदाबाद से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जैसे ही सड़कों पर उतरे उन्होंने आगजनी करने की कोशिश की, पुलिस से हाथफाई हुई है। मालदा से भी ऐसा खबर है, क्योंकि जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले राजीव मैं कर रहा था कि आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की तरफ से भी एक जो है प्रोग्राम का ऐलान है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा दिवस है। तो इस मौजूदा हालात में खबरें जिस तरीके से आ रही है वो हुगली में रेल रोकने की कोशिश की गई, कोलकाता के जो दक्षिण बाराशात है वहां पर भी रेल रोकने की कोशिश की गई। फिलहाल मेरी मौजूदगी कोलकाता एयरपोर्ट इलाके में है, मैं जरा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस की तैनाती देखी जा सकती है। देखिए तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, मैंने जैसे जिक्र किया कि एक अंदाजा है कि पुलिस की यहाँ पर तैनाती देख लीजिए रास्ते में। हालांकि यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही वो बरकरार है, लेकिन कई सारे झड़प के खबरें आ रही है, चाहे वो कोलकाता हो, कोलकाता के टाला में बंद के समर्थकों ने फिलहाल जो है सरकारी बसों का रास्ता रोक दिया है। खबरें मुर्शिदाबाद से है और कुछ बिहार से, तो दो विधायक को जो है डिटेन भी किया गया है। तो ये अंदाजा दिखाता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि इस इलाके में वाहनों की आवाजाही जो है वो ठीक ठाक है, पुलिस की तैनाती की अगर बात की जाए तो हजारों के तादाद पर पुलिस आज सुबह से सड़कों पर रहेंगे और ज्यादातर जो बसें आपको दिख रही है वो खाली दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक आशंकाएं है कि अगर वो निकले तो मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन गौरतलब है, जरा बता दूं कि जो समय बता रही है ऑफिस टाइम अमूमन
वो शुरू होने में अभी भी वक्त है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी मुश्किल और चैलेंज पुलिस के लिए होगा, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद का जो प्रतिष्ठा दिवस है, जिस प्रोग्राम में ममता बैनर्जी शरीक होंगी, अभिषेक बैनर्जी रहेंगे। दरअसल ये कोलकाता के जो गांधी मूर्ति है वहां पर वो सालाना तृणमूल कांग्रेस और अब जो स्थिति रितिक बन रही है, क्या ममता बैनर्जी पहुंचेंगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। मैं आपके पास लौटता हूं रितिक। जरा उत्तरी दिनाजपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी हुई है और उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को फिर हिरासत में लिया गया। सुबह सुबह की आप तस्वीरें देख लिए, ये तस्वीरें आप देखिए उत्तरी दिनाजपुर की है जहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर थे, वहां आगजनी भी हुई है और इस दौरान उनको फिर हिरासत में लिया गया, उनको पकड़ा गया। देखिए सड़कों पर उतर रहे थे और नारेबाजी जमकर चल रही थी। তৃণমূলের চামচা পুলিশরা আজকে এখানে আমাদের। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, दो बीजेपी विधायकों को भी आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। कुछ इस तरह की तस्वीर अभी सुबह सुबह दिखने लगी। मुर्शिदाबाद में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी और बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे, एक शख्स के साथ वहां मारपीट की गई है, फिर उसके बाद जवान आते हैं और शख्स को बचाते हैं। मारपीट की तस्वीरें आप देखें जहां बीजेपी समर्थकों ने एक शख्स को पीटा है। दूसरी तरफ उत्तरी दिनाजपुर में तो आगजनी की गई है, देखिए वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। बीप सुनेंगे क्योंकि अभद्र भाषा का बड़ा प्रयोग है वहां पर। जवान भी और झंडा है हाथों में बीजेपी कार्यकर्ताओं का और उसके बाद इस शख्स को पीटा गया है और किसी तरह से जवानों ने फिर उसके बाद इस शख्स को बचाया है। डॉक्टर के साथ हुए उस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर कल आपको बता दें कि जो छात्र संगठन उतरा और उसके बाद हिंसा हुई और आज बीजेपी गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर है। लेकिन ये तस्वीरें देखें, ये बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद जवान उन कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए और शख्स को बचाते हुए देखें। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। तो दूसरी तरफ उत्तरी दिनाजपुर हो या पश्चिम कोलकाता का दूसरा कोई हिस्सा, अब बंद का असर दिखने लगा है। ये देखिए तस्वीरें उत्तरी दिनाजपुर की जहां बवाल हुआ, आगजनी हुई, खूब हंगामा हुआ, नारेबाजी हो रही थी, पुलिस वाले पहुंचे, एक एक कार्यकर्ताओं को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और हिरासत में भी ले लिया है। तीसरी तरफ हुगली में आप देखेंगे तो ट्रेन रोक दी गई है। हुगली में प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं तो डॉक्टर के साथ हुए उस जघन्य रेप और हत्याकांड के बाद से पूरा पश्चिम बंगाल सुलग रहा है तब से ही, और उसके बाद से अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अलग अलग तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जो छात्र संगठन का प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद कल जब हिंसा हुई तो आज एक बार फिर बीजेपी ने ऐलान किया कि सड़कों पर उतरेंगे। ऋतिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ऋतिक, जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है, वो ऐसा लगता है कि वो हिंसक हो रही है क्योंकि कई जगहों पर कार्यकर्ता पीट रहे हैं तो कहीं पर कार्यकर्ता पीट रहे हैं, यानी कि पूरे दिन भर की सूरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी कैसी है इस बंद को देखते हुए? बिल्कुल, ये अंदाजा हमें पहले से ही था कि क्योंकि जिस तरीके से कल नौबानो यानी स्टेट सेक्रेटरी से सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि पुलिस कार्रवाई करेगी, जहां पर बंद के समर्थक सड़कों पर उतरेंगे वहां पर कार्रवाई होगी। पुलिस को ये निर्देश दिया गया है, चाहे कोलकाता हो या फिर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भारी तादाद पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, इस सिर्फ कोलकाता के लिए हजारों तादाद पुलिस आज सुबह से सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जगह जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस जघन्य अपराध के विरोध में बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस किसी भी तरीके से जो है कोताही नहीं कर रही है, उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तो उनको रोका जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और ये अंदाजा दिखा था। क्योंकि मैं जरा बता दूं कि सुबह 9:30 का वक्त
तय किया गया है, जब कोलकाता के जो जिस इलाके में, खासकर उत्तर कोलकाता के शाम बाजार, बड़ा बाजार इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है रैली निकालते हुए इस बंद के समर्थनों में वो सड़कों पर उतरेंगे। अब देखने वाली बात होती है उस दौरान पुलिस क्या उस रैली को अनुमति देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस के जो छात्र समर्थक है वो अभी से सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है। मैं जरा एयरपोर्ट का तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। सुबह सुबह का वक्त है, अब 8 बज चुका है, आप दिख रहे हैं कि ये जो जंक्चर है यहाँ पर कई सारे वाहनों की आवाजाही तो बरकरार है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जो है वो फिलहाल कोलकाता के लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में आज एक बड़े दिन का ऐलान है। आज छात्र प्रति परिषद का प्रतिष्ठा दिवस है, तो वो जो है ध्वज जो है उनके पॉलिटिकल फ्लैग लिए निकल रहे। यही सबसे बड़ी चीज है, क्या तृणमूल कांग्रेस की इस रैली में ममता बनर्जी आएंगे, अभिषेक बनर्जी जाएंगे, क्योंकि आज सुबह ममता बनर्जी का एक बड़ा ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि जिस इस बात को ना भुलाया जाए कि जिस पीड़ित बहन के बारे में जस्टिस की मांग हो रही है, इस मामले में फौरन जो है इस बात को भुलाया ना जाए, और छात्र समाज से वो उम्मीद रखते हैं कि इस बात को वो नहीं भूलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौजूदा मंजर बंगाल की है, मैं जरा फिर से दिखाना चाहूंगा, देखिए कई सारे समर्थक जो है, दादा आप लोग सब गांधी मूर्ति जा रहे हैं आज के प्रोग्राम जाएंगे आज तो बंद भी है क्या बसेस वगैरह सब चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बंद भी चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का बंद चल रहा नहीं है, वो घोषणा किया बंद होगा। आज देखिए रास्ता में इतना गाड़ी है, इतना आदमी है।